15.6 शाखित श्रृंखला और समावयवता। अब तक कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए हमने अंतिम सिरे के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को मैथिल समूह से प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार से हमें सतत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मिले, पर हम एल्केनों में शाखाएं भी बना सकते हैं। यदि किसी एल्केन में कोई कार्बन दो से अधिक कार्बन से बंध बनाता है तो हम कहते हैं कि श्रृंखला में उस स्थान पर शाखा है। आइए फिर से प्रोपेन CH3CH2CH3 का उदाहरण देखते हैं। इसमें तीन कार्बन परमाणु हैं, दो कार्बन श्रृंखला के सिरों पर और एक बीच में। सिरों पर स्थित दोनों कार्बन रासायनिक दृष्टि से समान हैं। श्रृंखला बढ़ाने के लिए हम दो स्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि अंतिम स्थान के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए, चित्र के समान संरचना मिलती है, किंतु यदि हम बीच के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें तब हमें चित्र के समान संरचना मिलती है। ब्यूटेन सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच टू मेथिल प्रोपेन सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। दोनों संरचनाओं का अणुसूत्र C4H10 है, अर्थात इनमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार एक समान है, पर इनकी संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए ये अलग अलग यौगिक हैं। अतः ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी होते हैं, तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। हमने देखा कि C4H10 अणुसूत्र वाले दो एल्केन संभव हैं। इनमें से एक को हम ब्यूटेन कहते हैं। आइए देखें कि दूसरे यौगिक का नाम क्या होगा। नामकरण के लिए सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला ढूंढते हैं। यह आवश्यक नहीं कि श्रृंखला देखने में सीधी हो। चित्र में दर्शाए संरचना सूत्र में सबसे लंबी श्रृंखला में तीन कार्बन हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं देखने में अलग अलग प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में इनमें कोई अंतर नहीं है। H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम देखते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला, जिसे मूल या जनक श्रृंखला कहते हैं, में तीन कार्बन हैं। इसलिए यौगिक के नाम का मूल भाग प्रोप होगा। अब हम उस कार्बन का पता लगाते हैं जहां शाखा है। इससे जुड़े एल्किल समूह को नाम दीजिए। इस उदाहरण में एल्किल समूह मेथिल है। अब हम श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को क्रम से ऐसे अंक देंगे कि शाखित कार्बन को लघुतम कम अंक मिले। इस उदाहरण में यह महत्व नहीं रखता कि किस कार्बन से हम गिनना शुरू करते हैं, क्योंकि हर स्थिति में शाखित कार्बन को दो अंक ही मिलेगा। इस तरह एल्किल समूह का स्थान दो है, 2-methylpropane। H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम यौगिक का नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह की स्थान संख्या, उसके बाद लघु रेखा डैश लिखी जाती है। लघु रेखा के बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम और उसके बाद मूल भाग का नाम जोड़ा जाता है और अंत में हाइड्रोकार्बन अनुलग्न लिखा जाता है। अतः यौगिक का नाम है 2-methylpropane है।
हमने देखा कि जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान पर संरचना सूत्र भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयता कई प्रकार की होती है। ब्यूटेन तथा 2-मेथिलप्रोपेन में देखी गई संरचनात्मक समावयता को श्रृंखला समावयता कहा जाता है, क्योंकि वह कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं। किसी अणुसूत्र के लिए संभव समावयवियों की संख्या उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या के बढ़ने से बढ़ती है।